साफ तौर पे वहाँ के विधायकों के साथ एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बातचीत हुई। मुझे जहाँ तक मैंने मीडिया में देखा कि 2 बजे रात तक बातचीत हुई है, उसके बाद ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व के पास आया, जाहिर तौर पर रिजॉल्व हो जाएगा। अलग अलग लोग किसी दल में हों महत्वाकांक्षा के साथ, तो ये उस दल की कमजोरी नहीं, कम से कम ऐसा तो है कि लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हमारे तो जो भाजपा वाले हैं वहाँ तो इच्छा प्रकट करने का भी स्पेस नहीं है, साहब ने कह दिया तो सब सेलो टेप लगा के बैठ जाते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक चर्निंग का अभिन्न हिस्सा है। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा है स्टेट मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट करप्शन, अभी भी 6 महीने का समय है, और यूनिटी पे बोला है कि आई हैव नेवर हर्ड एलिगेशंस ऑन एट एनीवन, नॉर डू आई हैव एनी रिफ्ट विद एनीवन और एन इंडिविजुअल। देखिए ये सच है, वो एक यात्रा में है और उस यात्रा में वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे जनसरोकार के हैं। अब जाहिर है जो मैंने पहले कहा कि अगर किसी भी राज्य में 2-3 लोगों के बीच में ये है कि महत्वाकांक्षा कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो इसको उस दल की भी संपत्ति मानी जाए, उस दल का मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव एक चेहरा माना जाए, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इसको रिजॉल्व कर लेगी। एनसीपी चीफ कर्नाटका पे बोला है वी हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम कर्नाटका, द स्टेट हैज शोन द पार्ट टू द ऑपोजिशन, इफ अ सिंगल पार्टी लाइक कांग्रेस इन कर्नाटका कैन शो देयर पावर अगेंस्ट बीजेपी देन इन अदर स्टेट्स लाइक माइंडेड पार्टी शुड कम टुगेदर। देखिए कमोबेश इसी सिलसिले में बातचीत भी चल रही है, जो अलग अलग लोग मिल रहे हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी अलग अलग लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, उसमें मूलतः यही है कि जन सरोकार के मुद्दों पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नागरिक समाज को, नागरिकों को भरोसा दिलाना है कि आपको एक विकल्प चाहिए और वो प्रगतिशील विकल्प हो, वो जमीनी मुद्दों पर आपके सरोकार पर राजनीति हो, ना कि आसमानी मुद्दों पर, क्योंकि राजनीति आसमान में चली गई थी, कर्नाटका उसको ज़मीन पर लाया, उससे पहले बिहार ने उसको ज़मीन पर लाया। तो ज़मीन की राजनीति के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे में भरोसा पैदा करके हम मिल करके एक विकल्प दें और वो सार्थक सकारात्मक विकल्प होगा। महाराष्ट्र नव में रहा है कि दिस इज द डिफीट ऑफ एरोगेंस एंड राहुल गांधीज भारत जोड़ो यात्रा। देखिए जाहिर तौर पर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं किसी भी दल के विजय में। मुझे बेहद खुशी है कि राज ठाकरे जी ने इसको रियलाइज किया। अहंकार तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं, हमने पहले भी देखा और बार बार हम बीजेपी को कहते भी थे कि आपको डेमोक्रेसी में सत्ता मिली है वो गुरूर और अहंकार के लिए नहीं, वो जन सरोकार के लिए। ये मैं, मेरा, मुझको, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये जो राजनीति हो जाती है ना, आत्मकेंद्रित, आत्ममुग्ध राजनीति, वो लोकतंत्र को रुग्ण करती है।